जी तो आज की हमारी इस ऑनलाइन में हम बात करने जा रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। ठीक है, नॉर्मल फॉर्मेटिंग तो आप करते ही हैं, जैसे कि आपने इस पे कर्सर रखा और यहां से कलर कर दिया, तो यहां से जो कलर हुआ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या टाइप है, इसलिए ऑटोमेटिकली फिल्टर फॉर्मेटिंग कर दिया, चाहे जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हो। लेकिन मुझे फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है विथ कंडीशन। अब विथ कंडीशन क्यों अप्लाई करनी है? ऐसा इसलिए कि हम चाहते हैं कि जब हमारा कोई डेटा और कोई रिपोर्ट देखे तो एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया वाली जो डेटा है वो हाईलाइट हो जाए, ताकि किसी को ढूंढना ना पड़े। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे जो ग्रेटर देन 60 क्वांटिटी सेल हुई है उसको हाईलाइट कर देना है, ताकि इजिली पता चल जाए। बस आपको यहाँ पे कर्सर रखना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना। अब इसमें कई सारे कैटेगरीज हैं, तो हमने हाईलाइट सेल्स रूल्स को लिया और यहाँ पे ग्रेटर देन और यहाँ पे हमने ग्रेटर देन 60 लिख दिया, तो एक डिफॉल्ट कलर से हमारा ये देखिए हाईलाइट हो गया। तो अब मुझे ये दिमाग नहीं लगाना है कि 60 से बड़ा कौन है, क्योंकि हमें हाईलाइट हो गया तो खुद ब खुद पता चल गया। जैसे कि आप स्कूल टाइम में एक हाईलाइटर से अपने बुक को हाईलाइट करते थे, क्यों? ताकि आगे चल के जब कोई आप रिवीजन करे तो आपको पता चल जाए कि आपको ढूंढना ना पड़े, आपको तुरंत पता चल जाए। सेम चीज से यहाँ पे यूज करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे ग्रेटर देन 60 लिखा और यहाँ पे आपके सामने 60 का, जिससे 60 से जो बड़ा है वो यहाँ पे हाईलाइट हो गया। अब यहाँ पे जो कलर हुआ है वो डिफॉल्ट कलर है, मुझे फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से करनी है। तो यहाँ पे और भी कलर्स हैं, जैसे येलो फिल है और उसके अलावा और भी बहुत सारे यहाँ पे हैं, अगर इनका यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ये आपको नहीं समझ में आया, नहीं चाहिए आपको ये, तो कस्टम फॉर्मेट में जाके कलर अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग ले सकते हैं। जैसे मैं मान लीजिए कि अगर मैं ये ब्लू ले लिया और ओके किया तो आप सब ब्लू से हो गया। ओके, तो ये समझ में आ गई कि हाईलाइट कैसे करनी है। इसका रिपोर्ट्स वगैरह पे बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, और मैं हाल में एक डैशबोर्ड सिखाई थी मैंने, हाल में एक डैशबोर्ड बनाना सिखाया था, ये डैशबोर्ड मैंने बनवाया था। तो इसमें क्या था, था कि ये देखिए एक प्रोडक्ट वाइज यहाँ पे सेल्स थे, तो जो सेल्स अच्छा हुआ है वहां यहाँ पे ग्रीन था, जो सेल ठीक हुआ खराब था वहां पे रेड था। तो इससे पता चल जा रहा है कि रेड इट मींस ए कलर ठीक नहीं है, ग्रीन हाँ ए है ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से हमें आइडिया लग जाता है, हम रिपोर्ट वगैरह में भी इसका यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब मान लीजिए कि हमने इसको सिलेक्ट किया और यहां पे हमारे पास है ग्रेटर देन लेस देन बिटवीन। ग्रेटर देन मतलब किसी नंबर से बड़ा, लेस देन किसी नंबर से छोटा, और बिटवीन दो नंबर के बीच की वैल्यू को आप हाईलाइट कर सकते हो। और ये हाईलाइट होगा तो चेंज भी होगा। जैसे मैंने मान लीजिए कि 30 से लेके 30 से लेके मान लीजिए कि मैंने 80 तक को हाईलाइट कर दिया, तो अभी मान लीजिए कि 22 है या 62 है, अगर मान लीजिए 22 हो गया तो ये हाईलाइट से हट जाएगा। ये 51 है, ये अगर मान लीजिए 15 हुआ तो हट जाएगा, और जैसे 22 मान लीजिए कि आपका 54 हो गया तो हाईलाइट हो जाएगा। तो ये सिर्फ कलर ही नहीं करता है, साथ में हमेशा चेक करना रहता है कि मेरी कंडीशंस की अकॉर्डिंग वैल्यू है या नहीं है। जैसे कंडीशन से बाहर जाएगी वैल्यू, सॉरी, कंडीशन से बाहर जाएगी तो फॉर्मेटिंग भी उससे रिमूव हो जाएगा, तो इसलिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो रोबिन जी समझ में आ गया ग्रेटर देन लेस देन और बिटवीन को? नवीन जी कोई डाउट इसको आ इसमें? गए सर, परफेक्ट, ये इसको आ गए सर। नहीं सर, अब इसमें आप बात करते इक्वल टू, मतलब कि अब इसमें क्या है कि इसके लिए ग्रेटर
बिटवीन लेस देन ग्रेटर देन में हम नंबर टाइम और डेट डाल सकते हैं। मान लीजिए किसी डेट से बड़ा डेट आपको हाईलाइट करना है या छोटा डेट हाईलाइट करना है तो ग्रेटर देन लेस देन का इस्तेमाल कर सकते हो, आपका डेट हाईलाइटेड हो जाएगा। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि 7 तारीख के बाद का डेट हाईलाइट करना है तो मैंने यहाँ पे 7 जैन और 19 लिख दिया, तो देखिए 7 के बाद की डेट हाईलाइटेड हो गई। ऐसे टाइम को दे सकते हो। अब इक्वल टू में होता है एग्जैक्ट सेल वैल्यू। जैसे मान लीजिए मुझे 241 को हाईलाइट करना है तो यहाँ पे इक्वल 241 कर दूंगा तो आपका हाईलाइटेड हो जाएगा। उसी तरह से मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे इसमें रैम को हाईलाइटेड करना है प्रोडक्ट में, तो मैं इक्वल टू में जाऊंगा, रैम लिखूंगा और वो हाईलाइटेड हो जाएगा। कलर वगैरह तो अपनी तरह चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए मुझे डेट हाईलाइटेड करना है तो हम इक्वल टू में, मतलब इक्वल टू में हम कुछ भी दे सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो डेट हो, टाइम हो, नंबर्स हो, एनी एग्जैक्ट सेल वैल्यू। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं कि अगर हम एग्जैक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहां पे हमारा दिल्ली है और यहां पे न्यू दिल्ली। अगर मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया और इक्वल टू में मैंने दिल्ली डाल दिया तो यहां पे आपका न्यू दिल्ली हाईलाइट नहीं होना, और दिल्ली अगर न्यू दिल्ली कहूंगा तो दिल्ली नहीं करेगा। अब यहां पे क्या है कि न्यू दिल्ली और दिल्ली एक ही सिटी है, कुछ लोग दिल्ली लिख देते हैं, कुछ लोग न्यू दिल्ली लिखते हैं, क्या तो मुझे ऐसा चाहिए हाईलाइट कि दिल्ली और न्यू दिल्ली, दिल्ली लिखूं तो दिल्ली भी हाईलाइट हो और न्यू दिल्ली लिखूं तो न्यू दिल्ली भी हाईलाइटेड हो। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमारे पास होता है टेक्स्ट दैट कंटेन, टेक्स्ट दैट कंटेन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे दिल्ली या न्यू दिल्ली लिखिए, हाईलाइट हो जाए। मतलब कि जो वर्ड यहाँ लिखेंगे वो अगर उस सेल में है, चाहे सिंगल हो या किसी के साथ हो, वो हाईलाइट कर देगा। ओके अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए कि मैं डेट जो है फरवरी का डेट डाल देता हूँ। यहाँ पे डेट जिसे हमने बताया हाईलाइट करने के लिए, तो आप यहाँ से इक्वल टू ग्रेटर देन बिटवीन डेट डाल सकते हो, तो वो तो फिक्स होगा। जैसे मान लीजिए मुझे अपना सिस्टम डेट हाईलाइट करना है कि आज का डेट हाईलाइट करनी है, तो आज की डेट में मान लीजिए कि मैंने 2/10 लिख दिया, हाईलाइट हो गया 2/10। लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और आ जाएगी कि कल जब ये फाइल ओपन होगा तो 2/11 होगा, सिस्टम 2/11 होगा, बट यहाँ पे 2/11 तो हाईलाइट नहीं होगा क्योंकि सिस्टम डेट से कनेक्टेड थोड़ी है। तो यहाँ पे हमारे पास आता है एक ऑप्शन डेट ऑकरिंग का। डेट ऑकरिंग में यहाँ पे आपके सामने डेट डालने की कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ पे आप चूज कर सकते हो अपने कैलेंडर को। जैसे कि मैंने टुडे सेलेक्ट कर लिया तो ये आपका 10 तारीख हाईलाइटेड होगा। अब मैं कल इस फाइल को खोलूंगा तो 11 हाईलाइट रहेगा क्योंकि हमारा डेट चेंज हो रहा है। जैसे सिस्टम डेट अपना डेट को चेंज करेगा, ये आपकी हाईलाइट भी चेंज हो जाएगी। ऐसे टुमारो, द लास्ट 7 डेज, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ, दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ। ठीक है, हाईलाइटेड हो जाएगा। अब इसमें बारी आती है डुप्लीकेट वैल्यू को। अगर मान लीजिए कि हमें हाईलाइट करनी है मोर देन वन जो टाइम रिपीटेड वैल्यू को, तो आप डुप्लीकेट वैल्यू लिखोगे तो जो वैल्यू एक से ज्यादा बार आई होगी उसको हाईलाइट कर देगा। ठीक है, अब यहां पे अगर मान लीजिए कि अगर मैं अलग से बताता हूं, मान लीजिए कि यहां पे मैंने नेम दिया और नेम नेम मुझे यहां मोबाइल नंबर लिखता हूं कि मोबाइल 8825793888 लिख दिया। अब मैं चाहता हूं कि इस कॉलम में दोबारा का मोबाइल नंबर लिखे, इसी नंबर को लिखे तो हाईलाइट हो जाए।
तो उसके लिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहां से डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक करके इसको हाईलाइट कर देते हैं। तो जैसे यहां पे वैल्यू, एक ही वैल्यू को दो बार हम लिखेंगे दोनों वैल्यू हाईलाइट हो जाएगी। क्या लिख चुके हैं तो डुप्लीकेट को फाइंड करने के लिए इसका यूज हम कर सकते। तो नवीन जी, रमेश जी एंड रोविन जी, आपको इस हाईलाइट सेल्स रूल्स में कोई दिक्कत है? यूज कर सकते हैं सारे ऑप्शन को, और इसका बेनिफिट पता हो गया कि हाँ इसका यूज, मैंने इसका यूटिलाइजेशन क्या करेंगे हम अपने फ्यूचर में? स्पेशली पता करने के लिए सेम और ग्रेटर देन लेस देन और प्लस इक्वल especially any program can read this one. ठीक है सर। अब आती है टॉप बटन। अब मान लीजिए कि आपके डेटा में, अभी डेटा काफी बड़ा है तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा छोटा डेटा उठा लेता हूँ। अब मुझे इसमें से मुझे टॉप फाइव या टॉप टेन को हाईलाइट करने का, सबसे हाईएस्ट जो है हमारी क्वांटिटी उसमें से। तो यहाँ हम हाईलाइट में जाएंगे और यहाँ हम हाईलाइट इसमें टॉप बटन में और टॉप टेन को सिलेक्ट करेंगे। टॉप टेन कर लीजिए या टॉप फिफ्टी कर लीजिए, जो हाईलाइट है उसकी पोजीशन के हिसाब से आपका हाईलाइट हो जाएगा। ओके उस तरह से यहाँ पे आप बॉटम करेंगे मतलब कि छोटा, ये बॉटम आपका हाईलाइटेड हो जाएगा। बॉटम 10 या बॉटम 5 या बॉटम 50 जो लिखेंगे वो हाईलाइट हो जाएगा आपका। और साथ ही यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि टॉप 10% एंड बॉटम 10% है। बेसिकली ये परसेंटाइल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलता है। जब हम आपको परसेंटाइल फॉर्मूले कराएंगे तो इसके बारे में हम आपको समझा देंगे। अब बात करते हैं अबव एवरेज। अब देखिए क्या है कि इस पूरे सिलेक्टेड क्वांटिटी का एक एवरेज है जो कि यहाँ दिख रहा है 47। मुझे एवरेज से ऊपर को हाईलाइट करना है और साथ में ये भी देखते रहना है कि हमारी जो वैल्यू अगर चेंज होगी तो मेरा एवरेज ऑटोमेटिक इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो जैसे एवरेज इंक्रीज हो तो ये मेरी क्राइटेरिया भी अपने आप इंक्रीज हो जाए, मतलब कि फॉर्मेटिंग चेंज हो जाए। तो अभी क्या है, अबव एवरेज 47 है, तो अब मैंने यहाँ पे अबव एवरेज को सिलेक्ट करके हाईलाइट कर दिया। तो एवरेज अभी कितना है, 47 है। मान लीजिए इस 11 को मैं 56 कर देता हूँ तब मेरा एवरेज क्या हो जाएगा, 48 हो गया। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका 48 का उससे ऊपर को हाईलाइट करेगा, अबव एवरेज एंड ऑल्सो बिलो एवरेज। इसका यूज कब होता है, कभी कभी क्या होता है कि हमें बेंचमार्क नहीं होता है, मतलब कि हमें मान लीजिए किसी ने बोला कि अच्छा सेल को बता दे, अच्छा मैंने अच्छा सेल किसने किया, तो हाउ कैन डिसाइड कि अच्छा सेल कैसे कितना होगा। अगर कोई बेंचमार्क डिफाइंड है कि हाँ भाई 50 हमारा ये है टारगेट है तो 50 से ऊपर जो सेल किए हुए हैं दिस इज गुड सेल, लेकिन कुछ ऐसा डिसाइड नहीं है तो हम क्या करेंगे, सारे सेल को एवरेज लेंगे और एवरेज से ऊपर वाले को बोलेंगे दिस इज द गुड सेल। समझे क्या बोला सर, इन्फॉर्मेशन मैं बोल रहा था कि अबव एवरेज एंड बिलो एवरेज का यूज हम कब करेंगे। बेसिकली क्या होता अच्छा। है कि अगर आप मान लीजिए कि मुझे ये पता करना है कि सबसे मान लीजिए एक सेल्स डेटा है तो हमें पता है कि भाई किस कस्टमर ने सबसे किस हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव में अच्छा सेल किया है। तो अगर अच्छा सेल के लिए कोई बेंचमार्क डिफाइन हो कि हाँ 50 से ऊपर वाले अच्छे से 50 से ऊपर वाले अच्छे सेल होंगे तो आप ग्रेटर देन 50 कर सकते हैं ना। लेकिन कोई बेंचमार्क, हाँ कोई बेंचमार्क डिफाइन नहीं है तो अच्छा सेल कैसे होगा, कैसे पता चलेगा सबसे अच्छा सेल। तो हम क्या करेंगे, जितने भी सेल्स हैं सबका एवरेज निकालेंगे और जो एवरेज ऊपर है उसको अच्छा मान लेंगे। अच्छा अच्छा ओके ओके। मान लीजिए ना कि आपको डेली आप खर्चा करते हैं, आपको महीने में 15,000, महीने में मान लीजिए आपकी पॉकेट मनी 1500 रुपए खर्चा हुए, राइट? तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि मैं सबसे ज्यादा किस दिन खर्च किया था? तो
तो आप निकालोगे एवरेज, एवरेज कि थर्टी एवरेज आप मार्क। फिफ्टी से फिफ्टी, जिस दिन आप 50 से ऊपर खर्चा करोगे वो यार इस दिन ज्यादा खर्चा हो गया क्या, क्योंकि 1500 आपकी पॉकेट में नहीं है। तो जरूरी थोड़ी कि 15 आप हर दिन एक इक्वली 50 ही खर्चा करोगे, किसी दिन 10 करोगे, किसी दिन 60 करोगे, किसी दिन 200 करोगे। ओके तो अब ओके एवरेज बिलो एवरेज का यूज इस चीजों में हम लोग करते हैं। अब बात आते हैं डेटा बार। अब डेटा बार का यूज भी बहुत अच्छी चीज है। अब इससे पहले मैं एक जो कंडीशन वर्डिंग लगा हुआ है उसको रिमूव कर लेता हूँ। रिमूव करने के लिए यहाँ क्लियर रूल्स दिखेगा आपको, इसमें क्लियर फॉर सिलेक्टेड सेल या एंटायर शीट। सिलेक्टेड सेल मतलब जो सिलेक्टेड कॉलम है उसका हाईलाइट होगा, डिलीट होगा, या फिर क्लियर करोगे पूरे सीट के, पूरे सीट पे जहां जहां कंडीशन फॉर्मेटिंग लगी है सबको क्लियर कर देगा। अब मुझे ये पता करना है, अब इससे बात हुई कि मुझे ये पता करना है कि 22 जो हमारा है ये 22 मतलब कि अपर में है, लोअर में, या मिडल में, मतलब इसका पोजीशन क्या है पूरे ओवरऑल सेल। अब ये पता कैसे चलेगा, क्योंकि इतने लंबे इतने बड़े डेटा पे हम चार्ट तो नहीं लगा सकते। तो हमने क्या किया, यहां से डेटा बार लगा दिया। डेटा बार लगाने से क्या हुआ कि ये बार बता आपके बार के अकॉर्डिंग बता दिया 69 सबसे ज्यादा तो नहीं है लेकिन हाँ टॉप के नजदीक है। 74 ए टॉप से ज्यादा नजदीक है, ए 69 से आपका 74 बड़ा है, ऐसे 84 हाँ ए टॉप पर है, माइनस में है तो मतलब क्या ये माइनस में है, नीचे है, बिलो है। तरह से एक बार बना मतलब कि चार बार चार की तरह आपको दे देता है। अच्छा ठीक है, मैं आपको इसको अलग बताता हूं। जैसे तो आपने नंबर लिख दिया इस तरह से, नंबर यहां पे मैंने लिख दिया। अब मुझे इस नंबर पे अगर मैंने बार चार्ट लगा दिया तो देखिए जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है आपका बार भी बढ़ ये क्या करता है कि पूरे सीट का मैक्सिमम नंबर निकालता है, और उस मैक्सिमम नंबर के अकॉर्डिंग सेल वैल्यू को वो ग्रेड करते हुए उतना बड़ा बार बना देता है, जिससे हमें एक बड़े डेटा पे कंपेयरिंग करने में आसानी होती है। ओके ओके यस अब यहां पे एक चीज और आता है कि हमारे पास एक और है कलर स्केल। कलर स्केल भी सेम काम करता है लेकिन वो कलर में देता है, और रेड टू ग्रीन जाता है। तो जो जितना मतलब बॉटम में रेड होता है और जैसे जैसे बढ़ता है रेड जो है ग्रीन में कन्वर्ट होते चला जाता है, जब पूरा ग्रीन हो गया तो हाईएस्ट है। लेकिन इसका यूज हम लोग बहुत कम करते हैं, लेकिन आपको क्लियरली समझाना हो तो यहां पे बस ये दे दीजिए, ये आपका बॉटम मिडल टॉप, टॉप बॉटम मिडल, या फिर इसमें और भी आइकन्स है उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, समझे। ओके इसका इस्तेमाल और भी होता है दो कंपनी के, मान लीजिए ना कि आपकी यहाँ पे क्वार्टर वन की सेल है, आपके क्वार्टर टू की सेल है, यहाँ पे आपके पास ए है और यहाँ पे मान ए आपका समझ लीजिए ए है। अब दोनों में कंपेयरिंग करना है आपके किस सेल में बड़ा है, तो मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा ना, या उससे अच्छा है कि इन दोनों को सिलेक्ट करके हम आइकन सेट में इसको इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक है, ओके जैसे कम होगा तो स्वैप हो जाएगा। ठीक है, अभी जो मैं आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग में चीजें बताई वो हमारी मोस्ट यूजेस कमांड थी, राइट, मोस्ट यूजेस कमांड। लेकिन इसके अलावा और भी चीजें हैं जो कि हम आपको कल की क्लास में कंसल्ट करेंगे। प्लीज अभी जो मैंने चीजें बताई है उसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ओके और आप लोगों ने किसी ने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि आप सभी लोग मोबाइल फोन से ज्वाइन है, तो मैंने सेशन रिकॉर्ड कर लिया है, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मैं 10-15 मिनट में भेज देता हूँ।